शरद पवार की पार्टी में आए राजनीतिक भूचाल के बीच अब से कुछ देर पहले एनसीपी अजीत पवार के गुट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आई वो आपको बताते हैं। अजीत पवार गुट ने बड़ा ऐलान किया है, सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अजीत पवार गुट की ओर से मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया है कि अब एनसीपी के संगठन में बदलाव किया गया है। अजीत पवार गुट ने अनिल पाटिल को एनसीपी का नया चीफ व्हिप बनाया है। अजीत पवार गुट की ओर से दावा किया गया है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। और प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि शरद पवार हमारे गुरु हैं और हम उनसे विनती करते हैं कि वो हमारे साथ बने रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें। इसी दौरान छगन भुजबल ने भी शरद पवार को अपना गुरु बताया है। हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। अरे भाई वो हमारे गुरु है और आज गुरु पूर्णिमा है। और मुंबई में एनसीपी ऑफिस से संवाददाता अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर से जिमीडिया संवाददाता अश्विन पांडे मेरे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजमोहन पांडे जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। उनसे भी हम सवाल करेंगे महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक पर उनकी क्या राय है वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अंकुर मैं आपका रुख कर रही हूं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं और हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्या मायने इसके? देखिए मायने यही है कि जो हो रहा है उसको वो विधिवत तौर पर अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी लिए कन्विक्शन कन्विंस करने की यहाँ पर एक कोशिश है। बेसिकली यहाँ पर एक मैनिपुलेशन का तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि जो उनको पता है वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो शरद पवार से ज़्यादा जो एनसीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो मुंबई में या शायद रूरल महाराष्ट्र में रहते हैं उन तक ये मैसेज जा रहा है। मैसेज बहुत क्लियर है। एक प्रोसेस के थ्रू दिल्ली में जब शरद पवार खुद प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे बनाया गया मैं महाराष्ट्र का जो प्रदेशाध्यक्ष है वो मैं सुनील तटकरे को बना रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ही ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूं जिसके लिए आपने मुझे अपॉइंट किया था। तो जो मैसेज है कि पार्टी दो फाड़ हो गई या पार्टी में बगावत है वो चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज ना जाए, मैसेज ये जाए कि पार्टी वही है, आपने हमें कार्यभार सौंपा था, मैं उस कार्यभार को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हूं, यही मैसेज देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक तरह का मैनिपुलेशन आप कह सकती हैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोट बैंक को लेकर। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखानी बेहद अहम है, क्या शरद पवार को गुरु बताकर उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं? सबसे पहले देखिए आज पूरे दिन क्या क्या वहां पर हुआ, क्या बयानबाजी हुई और अजीत पवार से लेकर शरद पवार और उनके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए। महाराष्ट्र और 2024 चुनाव से पहले किसकी शुभ घड़ी आई, ये सब आपको आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। एनसीपी में रविवार को आए सियासी तूफान का असर सोमवार को भी दिखा। मंत्रिमंडल में नए सहयोगी बने अजीत पवार और एनसीपी के नेताओं का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर स्वागत किया।
तो दूसरी ओर भतीजे की बगावत के शिकार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई से दूर सतारा में हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई में पार्टी में जो भी टूट फूट हुई उसे भूल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सुबह सुबह महाराष्ट्र के सतारा पहुंच गए। गुरु पूर्णिमा के दिन शरद पवार अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान की समाधि पर पहुंचे। शरद पवार के साथ समर्थकों की फौज थी, इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। शरद पवार ने यशवंत राज चौहान को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ कांग्रेस नेता पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। हजारों समर्थकों को सतारा में जुटाकर शरद पवार ने बागी हुए भतीजे के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने दावा किया कि 3 महीने में महाराष्ट्र में राजनीति फिर बदलेगी। कई लोकांनी टेलिफोन केले, अनेकांची इच्छा, पक्षाचं मूल जे धोरण आहे त्याच्या शेअर वेगळी भूमिका घेऊ नये, ते योग्य वेळी त्यांचे निर्णय जाहीर करतील। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के करीब 24 घंटे बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और नए नए मंत्री बने एनसीपी नेता छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। वी हैव गॉन अहेड एंड फॉर्मड अ गवर्नमेंट विद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस एंड एज एनसीपी वी आर द एनसीपी एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। मीटिंग के लिए जाते वक्त प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि असली एनसीपी अब वही है। देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी नेताओं की मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। नए सहयोगी मिलने से सबके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। मीटिंग के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 9 जुलाई को हो सकता है। हालांकि उसमें कौन कौन शामिल होगा इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। एक तरफ शरद पवार ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया तो अजीत पवार ने भी समर्थकों के जरिए चाचा को अपनी ताकत का एहसास कराया। शक्ति प्रदर्शन के बीच अब सवाल उठ रहा है कि असली एनसीपी किसके पास है। अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 53 में से 42 विधायक हैं, जबकि शरद पवार गुट का दावा है कि उनके साथ 44 विधायक हैं। एनसीपी में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। सांसद सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, एकनाथ खड़से और जितेंद्र वाड़ा ने मीटिंग की है। एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को बागियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी है। हालांकि अभी तक एनसीपी शरद पवार गुट से बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी की ओर से सीधा एक्शन कोई नहीं लिया गया है। 9 लोगों के ऊपर अपात्रता की याचिका डाली गई है। जिन लोगों ने शपथ ग्रहण की है उनके खिलाफ नहीं, वो अपात्र ही है ऐसा हमारा कहना है। जब वो एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो शिवसेना वर्सेस सुभाष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो याचिका में निर्णय दिया गया है उसके मुताबिक वो तभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अजीत पवार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। एनसीपी में आए भूचाल पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक दावा कर सबको चौंका दिया है। तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज पवार साहेब किती काही म्हणत असले की त्यांचा काही संबंध नाही या गोष्टींचा। वगैरे दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे हे असेच जाणार नाहीत, हे पाठवल्याशिवाय। म्हणजे मला उद्या पवारसाहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार ह्या मला केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही मला। इस बीच एक अप्रत्याशित घटना में एनसीपी के बागी सांसद अमोल कोहले, जो एक दिन पहले अजीत पवार के साथ थे और शपथ के वक्त राजभवन में भी मौजूद थे, उनकी नैतिकता जाग उठी और उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि वो शरद पवार के साथ हैं। अब मंगलवार को शरद पवार मुंबई में अपने समर्थकों और नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार आगे की रणनीति पर समर्थकों के संग चर्चा करेंगे। अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज़।